Emuna! अदर वीडियो जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ तड़कते भड़कते ट्रेंडिंग टॉपिक्स और उनके मीम्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ओहो, हीरो बंदी 2। मेरे को तो ये नहीं समझ आया कि हीरोपंती 2 बन क्यों रही है। हीरोपंती 1 भी कोई खास हिट नहीं थी, अब ये हीरोपंती 2 बना रहे हैं। और ऊपर से ट्रेलर देखा तुमने, ऐसा लग रहा है भाई 10,000 बार ये मूवी देख चुका हूँ मैं। वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का कोई रीमेक बना दिया है। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी या फिर तुम लोगों को भी लगता है कि टाइगर श्रॉफ की सारी मूवी सेम ही है। मतलब ये एक ट्रेलर तुम हर मूवी पे चिपका सकते हो। बागी 4 पे यही ट्रेलर चिपका दो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 पे यही ट्रेलर चिपका दो, हीरोपंती 5, 7 100 पार्ट्स बना दो उसके यही ट्रेलर ही होगा भाई, सेम टू सेम। नवाज सर को छोड़ के पूरे ट्रेलर में कुछ अच्छा नहीं है। बहुत हो गई तेरी हीरोपंती, सबको आती नहीं मेरी चाहती नहीं। छोड़ी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता, कुछ हो जाता तो स्क्रू ड्राइवर का। मेरे को टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है, पसंद है, हैंडसम है, अच्छा डांस वांस कर लेता है, कुदिया मार लेता है, सब बढ़िया करता है। बट कब तक कुदिया ही मारते रहोगे पाजी? मैं समझ गया कि आप बैक फ्लिप पे मार लेते हो, हम जैसे बेडॉल शरीर वाले नहीं मार सकते। लेकिन कब तक टाइगर पाजी वही सेम चीजें ही करते रहोगे, डांस ही दिखाते रहोगे? एंड स्पेशली KGF, पुष्पा, RRR ऐसी मूवीज देखने के बाद तो कौन देखने जाएगा ये? My friend after watching KGF 2. अबे my friend after watching KGF 2 नहीं, me after watching KGF 2. Tare 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 tare. बंद करो। जब से KGF 2 देखी है दिमाग से निकल ही नहीं रही है वो मूवी। भाई ऐसी मूवी बनाती है चुम्मेश्वरी मूवी। मॉम, बेटा इधर आ, नहीं मारूंगी आफ्टर गेटिंग 5 स्लैप्स। इसको कौन सा दुख लग रहा है भाई? मेरा भी लेजिट यही रिएक्शन था मूवी थिएटर से निकलने के बाद। तारे नारू, ऐसी मूवी कैसे बना सकते हो, इतनी अच्छी मूवी। एंड देन देयर इज हीरोपंती 2 बिगर देन बाहुबली, KRK इन एंड एज देशद्रोही 30 साड़ो सच्ची, डायरेक्टेड बाय KRK, प्रोड्यूस्ड बाय KRK, एक्टेड बाय KRK, सब कुछ बाय KRK, थिएटर में भी KRK अकेला बैठ के ही देखेगा, रिलीज इन थिएटर सून। मतलब इंग्लिश तक ही लिखनी आई ढंग से भाई, पोस्टर बना रहा है तू अपनी मूवी का, कम से कम इंग्लिश तो ढंग से लिख लेता। रिलीजिंग इन थिएटर सून, रिलीज इन थिएटर सून। बट ये मजाक है ना? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मगर क्यों? देशद्रोही 1 की अपार सफलता के बाद ये लेजेंड देशद्रोही 2 बनाने का सोच भी कैसे रहे? जिससे याद आया KRK का रिएक्शन देखते हैं ना। अगर आपने KGF 1 देखी है तो आपको पता है कि रॉकी मुंबई में एक गुंडा था। बिल्कुल, बस वही गुंडा अब एक ऐसी जगह चला गया है जिसका नाम KGF है। ये एरिया कहीं जंगल KGF 1 में चला गया था। चलो सही है, कोई नहीं। और उन 10 लाख लोग के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं सब। वैसे 10 लाख नहीं थे, वो सिर्फ 20,000 थे। 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी थी। पर चलो चाचा कह रहे हैं तो सही होगा। ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोयले की खदान में से काम करके अभी अभी निकले हों। आपको तो ढूंढ, वो एक्चुअली में भी खदान में ही काम कर रहे हैं, वो कोयले की नहीं गोल्ड की खदान है। बट चलो कोई नहीं, KRK चाचा ने बोला तो सही होगा। होगा बाहुबली 2 का वो विलन जो एकदम काला था, डरावना था और पता नहीं कैसी लैंग्वेज बोलता था, चांगा मांगा भा जोगे जोगे में जा मा झुक जा मा जा, बस यहां कुछ वैसे। एक सेकंड क्या बोलता था? लैंग्वेज बोलता था, चांगा मांगा भा जोगे जोगे में जा मा झुक जा मा जा, बस यहां कुछ।
बाहुबली 3 में इसको लेना, निम्डा मुरेश करे की जगह चका बका चा चका। यानी कि ये वो वक्त है जब राजा महाराजा हुआ करते थे, किंगडम हुआ करता था, यानी कि तकरीबन 1500 साल पुरानी बात है। लेकिन कमाल है, है ये 1970 की मूवी दिखाई गई है। चाचा कौन सी मूवी देख कर आए हो, क्या माल फूक के गए थे? लेकिन कमाल यह है कि यहाँ भी टेलीफोन लगा हुआ है और रॉकी भाई लोगों से बातें करते रहते हैं। अगर उस वक्त में भी टेलीफोन था तो शायद उस फोन की खोज की होगी इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के दादाजी ने। अब अबे 1970 की मूवी है अबे नशेड़ी, 1970s के अराउंड की दिखाई गई है मूवी। उस वक्त टेलीफोन थे, सच्ची में थे, बट चलो चाचा कह रहे हैं तो सही होगा। अब रॉकी मुंबई से इस किंगडम में आता है, अकेले ही किंगडम पर कब्जा कर लेता है और वहां के जितने राजा महाराजा संतरी मंत्री सबको मार देता है। लेकिन सपने में मार देता है, सिर्फ बातों में मार देता है। किसी को पूछो भाई वो राजा कहां है, बोला उसको रॉकी भाई ने मार दिया। भाई वो संतरी कहां है, रॉकी भाई ने मार दिया। वो मंत्री कहां है, रॉकी भाई ने मार दिया। अगर सबको मार दिया है तो कब मार दिया है, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। केआर के चाचा हो सकता है मेरी ये वीडियो देख ले और इसके बाद मेरे ऊपर वो एक रोस्ट वीडियो भी बना दे, तो मैं ये क्वेश्चन उनसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं कि सर आपका क्या कोई बचपन में कोई मिल गया वाला एक्सीडेंट हुआ था क्या पैदा होने से पहले? नहीं, क्योंकि दिमागी चोट काफी गहरी लगती है आपके। पहले तो कौन से राजाओं महाराजाओं की बात करी उन्होंने मारने की, सिर्फ एक गरुड़ा को मारा था, वो भी KGF 1 में मारा था। और KGF 1 आपने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपने KGF 1 देखी है तो आपको पता होगा। अगर आपने KGF 1 देखी है तो आपको पता है, जिसका मतलब है कि KGF 1 आपने भी देखी होगी। तो इस बंदे की बातों में सेंस कहां पे बन रहा है? इसको हीरोपंती 2 दिखाओ, उसके लिए इसको पैसे मिलेंगे पेड रिव्यू देने के लिए, उसकी तारीफ करेगा फिर ये। प्रशांत भाई ये कौन सी वाली लेके आपने फिल्म बनाई है भाई साहब, उस ब्रांड का नाम मुझे भी बताना, मुझे भी ट्राई करना है भाईजान। अब फिल्म मेरे को लगा आप ऑलरेडी करके बैठे हो, ओके। अब एक डॉक्टर संजू की बॉडी से वो गोलियां निकाल रहा है। मैं नहीं सुन सकता भाई, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता ये बंदा क्या बोल रहा है। इस बंदे की बात में कोई सेंस ही नहीं है, एकदम सेंसलेस बातें करता है ये बंदा। देखो मूवी पसंद आना ना आना वो एक पर्सनल ओपिनियन होती है, मुझे मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बट है कुछ लोग जिनको नहीं पसंद आई, दैट इज ओके। बट यार अगर तुम रिव्यू बना रहे हो तो कम से कम अपने फैक्ट्स तो सही बोलो, ऐसी कुछ भी बकवास बोली जानी है। और ऊपर से ये देशद्रोही 2 बना रहे, मजाक उड़ी है यार। सही नहीं, इसकी देशद्रोही 2 विल बी बिगर एंड बेटर देन बाहुबली, KGF, RRR, पुष्पा ऑल कंबाइंड। देशद्रोही 2 विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अर्निंग रुपीज 150 रुपया। आपको बताऊं मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और आई नो व्हाट दिस इज, सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं। आज इतना बड़ा एक लाइन यहाँ जुड़ा हुआ है अक्षय पाजी, स्वस्थ भारत देवा। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूँ, गलत तो काम को राम समझा, गलत काम नहीं करूँगा। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। देखे कौन नया केशरी खिलाड़ी आ गया है, पैसा ही पैसा बाबू भैया। देवा केशरी भाई, विमल वाले अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, एवेंजर्स है क्या, अपना खुद का जुबा केसरी यूनिवर्स होगा भाई। सल्लू भाई को भी खसीट के लगे। अच्छा सल्लू भाई के ऊपर राजचेरी भी है, सल्लू भाई राजचेरी के ऐड में आते ना, हीरोगिरी पुपू करने में नहीं तुतु करने में। ओ गॉड भाई भाई ये क्या फोटो देख ली मैंने, बोलो जुबा केसरी। वैसे जोक्स साइड, कल अक्षय पाजी का मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखा, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है कि वो इस कैंपेन में नहीं जुड़ेंगे अब आगे, बट फिर भी मतलब ये तो मीम्स है, सो डोंट टेक इट दिल पे। आई एम ऑल्सो अक्षय पाजी का फैन। बोलो जुबा केसरी नहीं। ये जोकर मूवी का सीन है जिनको नहीं पता, और इसके गोली पड़ती है यहाँ पे। What? एक सेकंड, फिर से स्लो मोशन में।
फूक दिया भाई उसके। बोलो युवा केसरी मंजुलिका। अरे इससे मेरे को मेरी पिछली वीडियो याद आ गई। सानी था फिर से अजय देवगन सर है यार। अजय सर फिर से आ गए। नहीं आई नो क्या होने वाला है। बोलो युवा, बोलो युवा केशरी बकड़ मेरे को। No more Vimal memes, भाई, I am done. Please, no more Vimal memes. Oh God, ये तो मैंने Oh my God. Oh my God. हो गया ना खत्म। Oh my God. कोई इंसान ये आवाज कैसे निकाल सकता है अपने मुंह से। Oh no way. Oh my god. ओरिजिनल में वो वंदे मातरम शुरू हो जाता है। उठ के तानारी नारे कर दिया उसका। तन्नारी नारे तारे। रणबीर और आलिया की शादी। अब रसम पूरी हो गई। जान छूटी। ए, ये क्या कर रहे हो? मतलब अच्छा हुआ। अरे भाई कसम से अच्छा है, इनकी शादी खत्म हो गई, जान छूटी। जो प्लेटफॉर्म खोल लो, यूट्यूब खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, ट्विटर पे खोल लो, रणबीर आलिया की शादी, रणबीर आलिया की शादी। उसका वो रणबीर और आलिया का शिप ने मना दिया, रलिया रलिया की शादी। कुछ भी रणबीर ने ये करा, आलिया ने इतने का लहंगा पहना, रणबीर ने उतने की घड़ी पहनी, रणबीर के सहरे पे लगेंगे 50 लाख के नोट, रणबीर आएंगे इस नंबर वाली गाड़ी में जिसके 3 नहीं 4 टायर होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रणबीर एंड आलिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। लेकिन ये मीडिया वाले भाई एक चीज को पकड़ पकड़ के इतना घसीटते हैं ना, इरिटेट करके रख देते हैं। आई कांट स्टॉप लाफिंग। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अलविया। मुझे प्यार हुआ, अलविया। मुझे प्यार हुआ, अलविया। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अलविया। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अलविया। क्या चल रहा है ये? मुझे प्यार हुआ, अलविया। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, क्या हुआ? बस करो भाई बस। उसकी जैकेट बड़ी पर साथ के अंदर करके तो उसने अपनी नाक साफ करी है। Oh my God. Desi kids asking their parents for permission. Papa. यार इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो मैंने करी थी भाई मेरे पहले शो में, और वो बहुत बुरी थी बाय द वे, ये उससे भी बुरी थी। पापा वीडियो को लाइक कर दो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।